ओके, इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम हमने मॉड्यूल किया था मार्क प्राइस पे, जीएसटी पे, डिस्काउंट पे, फॉर्मूलाज भी किए थे. एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस, फाइन. आई हैव अ क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग. आई वॉन्ट टू आस्क कि शॉपकीपर जब हमें बिल देते हैं, उसने जो प्राइस लगाए होते हैं, टैग्स होते हैं उनके शॉप पे, जो चीजों पे जो टैग्स होते हैं, वही प्राइस दे देते हैं या फिर बिल के ऊपर कुछ और लिखते हैं? अगर हमारी 500 रुपीज की कोई चीज है तो हमें वो 500 रुपीज ही बिल पे लिख देता है या कुछ ऐड करके देता है, कुछ और अमाउंट लिखता है? माई क्वेश्चन इज दैट या आई कैन हियर कि ही अप्लाइज जीएसटी ऑन दैट, ही अप्लाइज जीएसटी रेट ऑन दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट जीएसटी रेट. व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी रेट? हु विल टेल मी? कैरी, कैरी सेक्शन से यशवी. कैरी सेक्शन, वेयर आर यू सिटिंग? एंड यशवी इज देयर. हम थोड़ी सी बैकग्राउंड जो हमने उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो लास्ट टाइम पढ़ा था हमने. यस, गुड मॉर्निंग. यस, She's absent. इज एब्सेंट, फाइन. ऋषभ, डेंडेलियन सेक्शन? या प्लीज Shop. यस, आगे आ जाओ. यस, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज जीएसटी रेट? प्लीज रिपीट बेटा. परसेंटेज? ठीक है, जीएसटी का जो होता है वो, यस, गो बैक, गो बैक. जीएसटी रेट, वेन एवर वी टॉक अबाउट रेट, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट 8%, 2%, 2.5%. दिस इज कॉल्ड रेट, जो आपने सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़ा था, 7th क्लास में पढ़ा होगा आपने सिंपल इंटरेस्ट में, कि सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग यूज करते हैं, रेट यूज करते हैं, जो हमारा 10% होता है, 9% होता है, 8% होता है, वैसे ही जीएसटी रेट होता है. लास्ट टाइम मैंने आपको एक बिल दिखाया था, ठीक है, बिल में मैंने आपको दिखाया था कि जो अमाउंट होती है हमारी, दैट इज रिटर्न ऑन दिस साइड एंड देन रेट इज एडेड, रेट ऐड करके कि हमारी फाइनल अमाउंट बनती है. मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने टॉवल परचेज किया 1100 का, तो उसके ऊपर मेरे को कुछ जीएसटी रेट ऐड करके वो उसको मेरे को 1150 रुपीज का देगा. ठीक है, तो इट इज एडेड. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, डिस्काउंट में हम माइनस करते हैं, जीएसटी में हम प्लस करते हैं, सिर्फ इतनी सी बात है. ठीक है, अब इसमें जो टर्म्स यूज होती हैं वो क्या क्या यूज होती हैं, लेट मी टेल यू द बैकग्राउंड ऑफ दिस. ये कॉस्ट ऑफ एन आइटम बिफोर जीएसटी, ठीक है, देन आपका जीएसटी रेट, एंड देन कॉस्ट आफ्टर जीएसटी. ठीक है, ये तीन चीजें, तीन आपको जो है नेम जो है वो अपने रोम अराउंड, यू हैव टू रोम अराउंड दीज वर्ड्स. एक्चुअली ये बार बार क्वेश्चंस में यूज होंगे. कभी वो उसको एमपी बोलेंगे, कभी वो उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, कभी वो बोलेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर. ठीक है, तो आपने क्या इसमें सोचना है कि कॉस्ट प्राइस बिफोर जीएसटी, जीएसटी लगाने के बाद पहले उसकी कितनी कॉस्ट थी, उसके ऊपर जीएसटी रेट कितना लगा, और हमें जो मिली आफ्टर जीएसटी जो मिली वो ये अमाउंट मिली. शॉपकीपर ने जो बिल बनाया वो इस अमाउंट पे बिल बनाया जीएसटी ऐड करने के बाद, विच वॉज मोर देन 500. ऑफकोर्स जब भी जीएसटी लगेगी हमेशा उससे ज्यादा होगा. ठीक है बेटे, आज हम थोड़े से क्वेश्चन सॉर्ट करेंगे. लास्ट टाइम हमने जीएसटी का एक ही क्वेश्चन किया था, टुडे वी आर गोइंग टू डू फर्दर. हमारे क्वेश्चन हुए थे 4th तक, वी आर गोइंग टू डू 5th क्वेश्चन नाउ. आई एम रीडिंग इट. सुनील बॉट, यू ऑल्सो रीड इन द शीट बेटा. सुनील बॉट अ टीवी फॉर रुपीज 22,000 इंक्लूडिंग अ जीएसटी ऑफ 10%. क्वेश्चन इज इंक्लूडिंग, ठीक है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे शॉपकीपर ने जो इसने सुनील बॉट अ टीवी फॉर रुपीज 22,000, उसने टीवी खरीदा 22,000 का इंक्लूडिंग जीएसटी. तो कॉस्ट प्राइस आप देखोगे, कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी इज इक्वल टू रुपीज 22,000.
ये है आपका इंक्लूडिंग जीएसटी, ओके। और इसके ऊपर रेट हमें जो दिया हुआ है, दैट इज जीएसटी रेट इज गिवन 10%। जीएसटी रेट इज इक्वल टू 10%। प्लीज माइंड इट, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है ये हमारी फाइनल अमाउंट है जिसपे हमने हमने पे किया। शॉपकीपर को एक्स्ट्रा मनी पे करके हमने 22,000 उसको पे किया, ठीक है, और 10% उसके ऊपर जीएसटी रेट था। दे आर आस्किंग अबाउट द प्राइस ऑफ द टीवी बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। जीएसटी एड करने से पहले उसका बिफोर जीएसटी प्राइस हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस बिफोर जीएसटी वी हैव टू फाइंड आउट, दिस इज टू बी फाउंड, ठीक है बेटे। अब बिफोर जीएसटी जो है इसका मतलब वो मेरे को ये बताओ वो कम होगी अमाउंट या ज्यादा होगी? सो यस सो वी हैव टू फाइंड आउट। पहले तो ये निकालेंगे कि वी विल यूज जीएसटी फर्स्ट ऑफ ऑल। फ्रॉम जीएसटी जैसे आपका प्रॉफिट लॉस होता है, प्रॉफिट परसेंट होता था, लॉस परसेंट होता था, वैसे ही हम जीएसटी परसेंटेज को पहले हम यूज करेंगे। वी विल से इफ कॉस्ट प्राइस इज, इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹100 तो हमारी जीएसटी कितनी लगेगी उसके ऊपर? ₹10, ठीक है। ₹10 आर परसेंटेज नहीं मैं बोल रही हूँ, अभी मैं रुपीज बोल रही हूँ, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट जीएसटी क्या होगी? आफ्टर जीएसटी विल बी इक्वल टू 100 प्लस ₹10 विच इज इक्वल टू ₹110। आई मस्ट टेल यू, जब हमने बिफोर वाली चीज निकालनी होती है, जैसे हम डिस्काउंट वाले फॉर्मूले में सीपी निकालते थे, सीपी निकालने के लिए हमें यूनिटरी मेथड निकालना पड़ता था, ठीक है। तो सेम वे हमें यहाँ पे बिफोर जीएसटी वाली कॉस्ट निकालने के लिए यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें यूनिटरी मेथड हम किस में लगाते हैं? जिसमें हमें सबसे पहले अपनी स्टोरी बिल्डअप करनी होती है कि परसेंटेज दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपनी इमेजिनेशन, अपनी दिस आई हैव मेड माई ओन स्टोरी, कि अगर जीएसटी सीपी अगर 100 होता, जीएसटी ₹10 होता और उसकी कॉस्ट होती 110, ओके। अब हमने यूनिटरी मेथड लगाना है इस कॉस्ट को यूज करके, 110 को यूज करके, ठीक है। तो हाउ वी विल डू, इफ कॉस्ट प्राइस आफ्टर जीएसटी, आफ्टर जीएसटी लिखो या इंक्लूडिंग जीएसटी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ आर सेम, ठीक है। इफ सीपी और जीएसटी इज ₹110, देन हमारे पास वो क्या थी, कॉस्ट प्राइस क्या थी हमारी? ₹100। एंड इफ कॉस्ट प्राइस आफ्टर जीएसटी ₹1 तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 100 डिवाइडेड बाय 110। वी आर गिवन दैट इंक्लूडिंग जीएसटी हमारी कॉस्ट है 22,000। उसके लिए हमने आंसर निकालना है, इफ कॉस्ट प्राइस आफ्टर जीएसटी इज ₹22,000, इंक्लूडिंग का मतलब आफ्टर, देन सीपी विल बी इक्वल टू, सीपी कौन सी, ये कौन सी सीपी चल रही है बेटा? बिफोर जीएसटी, ओके। सो इट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 22,000, ओके। प्लीज कॉपी इट, राइट डाउन द स्टेप्स, ठीक है, रजिस्टर में नोट डाउन करते जाओ, बिकॉज यू विल बी रिवाइजिंग योरसेल्फ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे लास्ट टाइम आपने प्रॉफिट परसेंट दिया होता था तो आप उसकी कॉस्ट प्राइस निकालते थे, वैसे ही यहाँ पे आपको जीएसटी परसेंट दिया हुआ है और आप बिफोर जीएसटी उसकी कॉस्ट निकाल रहे हो, विच वॉज इक्वल, विच इज इक्वल टू सीपी जो आप प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे। मैथड इज कंप्लीटली सेम, ठीक है। उसमें भी आप ये स्टोरी बिल्डअप करते थे और उसको फिर यूनिटरी मैथड में यूज करना। प्लीज कैलकुलेट, टेल मी क्या आंसर आ रहा है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, 0 0 कट रहे हैं, बहुत ही इजी नंबर्स है कैलकुलेशन के लिए। या बोला 20,000, 20,000 मैंने हैव फाउंड, प्लीज रेज योर हैंड हु हैव फाउंड, सो ग्रेट ग्रेट। सो 20,000 इज द आंसर, यू कैन मार्क इट, बहुत जल्दी कर लिया आपने। डी पार्ट इज द आंसर, फाइन, इट मींस यू हैव अंडरस्टूड द थिंग। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ओके। मॉड्यूल बचे, अब
बॉय बॉट अ जीन्स पैंट फॉर रुपीज 1635 इंक्लूडिंग जीएसटी. सेम सेम सिनेरियो इज देयर, इंक्लूडिंग जीएसटी कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगी यहाँ पे जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. इट इज गिवन, इट इज इक्वल टू रुपीज 1635, इट इज इंक्लूडिंग जीएसटी. इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द जीन्स इज रुपीज 1500, ओरिजिनल प्राइस इज गिवन, और व्हाट डू यू मीन बाय ओरिजिनल प्राइस? दिस इज न्यू नेम नाउ, दिस हाँ इज बिफोर जीएसटी. डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? ओरिजिनल प्राइस वॉज बिफोर जीएसटी. ओके, सो ओरिजिनल प्राइस इज रिटन. या यू नो एवरी क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज लिखी होती है, बट अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. सो कॉस्ट प्राइस बिफोर जीएसटी आई शुड से इज इक्वल टू रुपीज 1500. आप उसको बिफोर जीएसटी बोलो या उसका ओरिजिनल प्राइस बोलो, दे हैव द सेम मीनिंग. ओके, यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी. रेट ऑफ जीएसटी मीन्स यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ जीएसटी. एनीबडी, एनीबडी कैन टेल? कोई बता सकते हैं हाउ टू स्टार्ट? दिस इज आफ्टर जीएसटी, दिस इज बिफोर जीएसटी, और बीच में एक जीएसटी भी है. जीएसटी, इन दोनों के बीच में जीएसटी है जो कि हिडन है. यू हैव टू फाइंड इट. व्हाट टू डू एनीबडी? डैंडेलियन डंडेलियन सेक्शन, शौर्य, यस काम बेटा, सेक्शन 4, यस द गर्ल हु इज सिटिंग एट द फ्रंट, यस शौर्य इज ऑल्सो कमिंग, यस ओके. माइनस सीपी इंक्लूडिंग जीएसटी माइनस सीपी बिफोर जीएसटी. एक्सलेंट, शौर्य यू ऑल्सो कम, यस प्लीज टेल मी, दिस इज आफ्टर जीएसटी, दिस इज बिफोर जीएसटी, तो जीएसटी कहाँ से आने वाला है हमारे पास? यस, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग बोथ जीएसटी इज हिडन, तो वो जो जीएसटी आएगी वो रुपीज में आएगी. शौर्य गुड बेटा, प्लीज सिट डाउन. वो जो जीएसटी आएगी वो आपके पास रुपीज में आएगी. ओके, प्लीज फाइंड आउट जीएसटी इज इक्वल टू 1635 माइनस 1500. दिस इज सिंपल क्वेश्चन बट आई एम डूइंग इट स्टिल ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए. मैं जितनी बार आपको बोलूंगी, जितनी बार आप सुनोगे चीज को, जितनी बार आप लिखोगे उसको बार बार, इट विल बी परफेक्ट फॉर यू. यू विल नेवर फाइंड सच क्वेश्चन एज डिफिकल्ट. फाइन बच्चे, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 1500, इसको माइनस करके जीएसटी रुपीज में आपने पहले तो निकालनी है. ठीक है, रेट तो हम बाद में निकालेंगे. इट इज कमिंग आउट टू बी 135 रुपीज. होप एवरीबडी हैज फाउंड, दिस इज सिंपल कैलकुलेशन. ठीक है, वी हैव टू फाइंड जीएसटी रेट. अभी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है. रेट मींस परसेंटेज. रेट निकालने के लिए हमारा जो जीएसटी रुपीज आया है, जैसे हमारी प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती थी, वैसे ही जीएसटी हमेशा कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पे होगी. ओरिजिनल मींस बिफोर जीएसटी के ऊपर होगी. ठीक है, डोंट थिंक कि वो ज्यादा है या कम है, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना. हमेशा हमारी जीएसटी जो रेट आएगा वो जीएसटी डिवाइडेड बाय, दिस इज फॉर्मूला, जीएसटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस. प्लीज राइट डाउन, दिस इज फॉर्मूला, ओरिजिनल प्राइस इन 200 ऑलवेज. जस्ट अ मिनट यादव जी, पॉज हो गया है, ये पॉज हो गया हमारा ही लेवल की तो आवाज आ रही है. बेटा कैन यू हियर मी? Gracias.